आज 12वां दिन है जब किसान दिल्ली के बॉर्डर पर डटे हुए हैं। देश भर से समर्थन मिल रहा है, लेकिन किसानों ने कल भारत बंद बुलाया है और इसके लिए कांग्रेस पार्टी समेत 11 विपक्षी दलों ने खुला समर्थन दिया है भारत बंद को। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें भी आप देखिए जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिंघू बॉर्डर पहुंचे हैं। किसानों के आंदोलन का केंद्र बना हुआ है सिंघू बॉर्डर, क्योंकि सबसे पहले यहीं से दाखिल हुए थे दिल्ली की सीमा में किसान, और तब से लगातार यहीं पर किसान डेरा डाले बैठे हुए हैं। कल भारत बंद बुलाया है, परसों छठे दौर की बातचीत है सरकार के साथ। लेकिन इस बीच आज के दिन की ये तस्वीरें इस वक्त बहुत अहम। सीधे रुख करते हैं अशोक सिंघल का। अशोक, तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंच चुके हैं वहां पर। बिल्कुल, अभी अभी अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री पहुंचे हैं यहाँ पर, और दो दिन पहले सत्येंद्र जैन भी आए थे हेल्थ मिनिस्टर, लेकिन वो किसानों से नहीं मिले थे। लेकिन आज खुद अरविंद केजरीवाल पहुंचे और आम आदमी पार्टी समर्थन कर चुकी है भारत बंद का, और किसानों के बारे में उन्होंने कहा था कि किसानों की मांग जायज है, इसलिए आम आदमी पार्टी समर्थन करती है। और खुद केजरीवाल सिंघू बॉर्डर पहुंचे हैं। जी, बिल्कुल, और जिस बात की जानकारी देखिए इस वक्त अशोक हमें दे रहे हैं, आप मुख्यमंत्री केजरीवाल को भी इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं, किसानों से मिलने वो पहुंचे हैं यहाँ पर। इससे पहले आम आदमी पार्टी ये कह चुकी है कि हम किसान आंदोलन को हमारा पूरा समर्थन है। हमने आपको आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह का भी ये बयान सुनवाया। अशोक, यहाँ पर देखना ये भी अहम है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जब किसानों के बीच पहुंच रहे हैं तो इसका बड़ा मैसेज निकल कर क्या आता है? देखिए, अरविंद केजरीवाल ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीच में अमरिंदर सिंह ने भी कई सवाल उठाए थे उनको लेकर के कि राजनीति कर रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल यार यहाँ पहले करा देते ना, चलो भीड़ कम हो जाती। तो इस बीच आप मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को देख रहे हैं इन तस्वीरों में। इससे पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भी वहां पहुंचे थे, हालांकि किसानों से वो नहीं मिले थे। लेकिन इस बीच आप देख रहे हैं किसानों के बीच मुख्यमंत्री को, किसानों से बातचीत, आंदोलन स्थल का जायजा लेने के लिए भी वो पहुंचे हैं। लेकिन अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री वहां पहुंचते हैं तो यकीनन इसका एक पॉलिटिकल मैसेज भी जाएगा, क्योंकि कल भारत बंद का आह्वान किया है किसानों ने और 11 विपक्षी दल, कांग्रेस पार्टी समेत 11 विपक्षी दलों ने खुला समर्थन दिया है किसानों के इस आंदोलन को। तो एक तरह से अब ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या ये विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन है किसानों के आंदोलन के बहाने? लेकिन इस मामले पर राजनीति भी अब हो रही है। तस्वीरें आपके सामने, हमारे साथ खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं इस वक्त। गुरुप्रकाश जी, तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें बहुत अहम है। जब दिल्ली के मुख्यमंत्री भी पहुंचे हैं वहां पर, बेशक किसानों से बातचीत करने, हालात का जायजा लेने, लेकिन पॉलिटिकल मैसेज तो यहां से साफ है, सरकार को घेरने की एक रणनीति किसानों के साथ। उनको राजनीति में का आंदोलनों में ज्यादा मजा आता है, तो वो तो ऐसे तलाश करते रहते हैं कहाँ मुद्दा मिलेगा, कहाँ हम रैली कर लेंगे। तो उनको तो वैसे भी उनको चिंता है नहीं दिल्ली में कोविड का संक्रमण बढ़े, दिल्ली में प्रदूषण बढ़े, उनको नहीं। अभी तो आज तो सेवा का काम देखना है कि जो सेवा का काम ठीक चल रहा है, जो किसानों की सेवा के लिए काम शुरू किया गया है, उसमें बैठे हुए थे, उनसे बातचीत हुई, उनसे भी मिली, मुलाकात की सीएम साहब ने, खुश हैं वो, बहुत खुश हैं, बता रहे हैं कि जी वो देश के लिए बैठे हैं, मतलब वो किसान कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छे से बैठे हैं, कोई दिक्कत सर नहीं। एक सवाल सर, कई पार्टी सपोर्ट कर रही है कल भारत बंद को, आपको लग रहा है पॉलिटिसाइजेशन हो रहा है फार्मर्स? नहीं, किसानों को अगर प्रॉब्लम है तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज को सामने आना चाहिए। थैंक यू।